नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो यूके को लेके विदाउट आईएलटीएस एडमिशन वाले बच्चे जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफी यूनिवर्सिटी इनको मना कर देती है, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे जो विदाउट आईएलटीएस वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और विद आईएलटीएस का भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। सो किसी ने भी यूके की स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है विद और विदाउट आईएलटीएस, आप हमारी टीम वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर 9041090410। इस नंबर पे कॉल करके आप स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप उसका आंसर ले सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जो यूके वाले बच्चे हैं, आपके लिए पहली अपडेट ये है कि सितंबर इनटेक के ऑफर लेटर फास्ट ट्रैक हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पहले आईएलटीएस की भी डिमांड कर रही थी, उसमें से भी कुछ यूनिवर्सिटी ने अब विदाउट आईएलटीएस भी एडमिशन देने के लिए ओके कहा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फुल फीस रेडी रखें तो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर विदाउट आईएलटीएस जाना है, आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी विदाउट आईएलटीएस आपको पता है कि एडमिशन नहीं देगी। उसमें कई तरह का क्राइटेरिया होता है, आपका परसेंट वाइज स्कोर क्या है, आपने कब पास आउट किया, आपका लास्ट पासिंग ईयर क्या था, कहीं एमओए बेस्ड एडमिशन मिल जाता है, कहीं प्लस टू के स्कोर के ऊपर, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यस, ये अपडेट स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज यस जिन्होंने ओके किया है कि वो विदाउट आईएलटीएस एडमिशन देंगे सितंबर इनटेक के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी दोबारा से रूल नहीं चेंज करती। यूके का एडमिशन का जो सिस्टम ऐसा रहा है कि कभी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी लीनियंट होती है, स्पेशली इनिशियल एडमिशन डेज में, मतलब अगर हम सितंबर की बात मई में कर रहे हैं तो अभी आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो लीनियंट दिखेगी जो एडमिशन के लिए ओके करे, क्योंकि ये एडमिशन का स्टार्टिंग फेज है, अभी उनके पास उतना नंबर इकट्ठा नहीं हुआ सितंबर का कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर ले। वो करेंगे कब करेंगे, जुलाई के आसपास जाके वो दोबारा से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो मेरी एडवाइस है, जो विदाउट आईएलटीएस वाले बच्चे हैं, आप हमारी टीम को अपने डॉक्यूमेंट भेजें, कुछ ना कुछ ऑप्शन हो सकता है जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में हो जिन्होंने विदाउट आईएलटीएस को ओके किया है लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपसे फुल फीस की डिमांड करती है और कुछ यूनिवर्सिटी आपको प्री कैश इंटरव्यू या एडमिशन के दौरान इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। सो उसकी प्रेपरेशन हमारी टीम जरूर करवाएगी। और दूसरी मेजर डेवलपमेंट ये है कि यूके वाले जो बच्चे, क्योंकि काफी क्वेरी मुझे आ रही थी कि यूके की फ्लाइट बंद होगी और प्रोसेस का क्या होगा, तो मैं बता दूं कि यूके ओपन है, वहां इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है, यूनिवर्सिटी वर्क कर रहे हैं, कैश लेटर जो है वो सितंबर के भी टाइमली आने स्टार्ट हो जाएंगे और राइट नाउ मई इनटेक वाले बच्चों के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सितंबर इनटेक भी यूके का पहले की तरह ही चलेगा, और इवन जो मुझे लगता है कि सितंबर इनटेक जो यूके का होगा, पिछले सितंबर इनटेक से पहले जब काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जो यूके को इंटरेस्टेड थे, वो दोबारा से टाइम आ रहा है, क्योंकि कैनेडा की प्रोसेसिंग जब स्लो होती है तो यूके जो है वो अपनी प्रोसेसिंग फास्ट ही रखता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दो बार तीन बार कैनेडा रिफ्यूज हो चुके हैं, वो कैनेडा रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको पता है दो तीन रिजेक्शन के बाद वीजा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा यूके चाहे विद चाहे विदाउट स्पाउस बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, आप इसको कंसिडर जरूर करें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अपनी ड्रीम कंट्री चेंज करनी पड़ती है क्योंकि हमारा प्रोफाइल जो है वो एलिजिबल नहीं होता, जब हमारी इतनी रिजेक्शन लग चुकी है, इतना गैप पड़ चुका है कि हमें जो मेन कंट्री है, कोई भी यूके भी मेन कंट्री है, कोई भी आपकी जो डिजायर कंट्री है वो वीजा नहीं देगी। और कई बार आपको इस ऑप्शन को देखना चाहिए कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, रेदर देन कि आप यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते रहें, गैप डालते रहें स्टडी में। तो मेरी एडवाइस है कि यूके को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, यूके भी एक टॉप डेस्टिनेशन है स्टूडेंट वीजा के लिए अगर आप बात करते हैं। और यूके ने जब से पीएसडब्ल्यू अनाउंस किया है 2 साल का, तब से यूके को लेके बच्चों का जो नजरिया था वो काफी चेंज हो चुका है। और जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है तो मैं बता दूं कि यूके स्टूडेंट वीजा के बाद अगर आप मास्टर के लिए जाते हैं 1 साल या बैचलर के लिए 3 साल तक की बैचलर होती है आप जाते हैं तो आपको स्टडी के बाद पीएसडब्ल्यू मिलता है 2 साल का, और आगे भी परमानेंट होने के पाथवे पे गवर्नमेंट काम करी और काफी उन्होंने अनाउंस भी कर दिया स्किल्ड कैटेगरी के अंदर। उसके लिए आप गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग, तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कम परसेंट है, कम बैंड है, विदाउट आईएलटीएस कैटेगरी में यूके जाना है या विद आईएलटीएस यूके जाना है, विद स्पाउस जाना है, बेबी भी साथ में लेके जाना है, तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। सो नंबर याद रखें 9041090410। नमस्कार।